क्या किसान के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना, ना। क्या बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना। क्या मजदूर के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना। मगर अनिल भाई के घर के सामने कितने चौकीदार दिखाई देते हैं? चौकीदारों की, अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदारों की लाइन लगी हुई है। भाई और बहनों, चौकीदार गरीबों का नहीं होता है। चौकीदार अनिल अंबानी जैसे चोरों का होता है। चौकीदार कहता है हम सब चौकीदार। पहले कहता था मुझे चौकीदार बनाओ और मैं काला धन वापस लाऊंगा, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ, काला धन आ जाएगा, चौकीदार बनाओ, 15 लाख मिल जाएगा, चौकीदार बनाओ, किसानों को सही दाम मिलेगा, चौकीदार बनाओ। अब कहता है हम सब चौकीदार नहीं। मोदी जी, हम सब चौकीदार नहीं है। इस देश में किसान है, मजदूर है, बेरोजगार युवा है। आप याद रखिए, आपने कहा था मैं चौकीदार बनूंगा और जो वायदे आपने किए थे आपने एक पूरा नहीं किया। राफेल मामले में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया कि राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी, हिंदुस्तान में बनेगा, कहीं उसका रेडार बनेगा, कहीं हवाई जहाज बनेगा, कहीं उसके हथियार बनेंगे, हजारों फैक्ट्रियां लगेंगी, शायद बिहार में भी लगती, शायद गया में लगती। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं चौकीदार हूं अनिल अंबानी का, कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को मिलेगा, एचएल को नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान में हवाई जहाज ना, हिंदुस्तान में क्यों बने? हवाई जहाज तो फ्रांस में बनेगा, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज ना, मैं तो 1600 करोड़ रुपए में खरीदूंगा। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डालने, मैं तो 1600 करोड़ का खरीदूंगा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने उसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को मिलेगा और 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा हवाई जहाज। सीबीआई डायरेक्टर कहता है मैं तो इन्वेस्टिगेशन करूंगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं भैया, आप नहीं करोगे, आप सीआईए से हटा दूंगा मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, 1:30 बजे रात को निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, वापस आता है नरेंद्र मोदी जी 5 घंटे में निकाल देते हैं। एयरफोर्स के लोग कहते हैं फाइल में लिखा है साफ, हिंदू अखबार में लिख पढ़िए, एयरफोर्स के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एयरफोर्स के नेगोशिएटिंग टीम को परे करके सीधा सौदा किया है फ्रांस की सरकार से, दसॉल्ट कंपनी से। मैं आपको बताता हूं न्याय योजना का पैसा कहां से आएगा। अनिल अंबानी की जेब से आएगा। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, चौकीदार की जेब से आएगा। लाइन लगा के इनकी जेब से पैसा निकाल के आपको 72,000 रुपए हर साल में दूंगा। यह है सच्चाई हिंदुस्तान की। आप खड़े थे ना बैंक के सामने, खड़े थे ना बैंक में, आपको चोरों की लाइन दिखी है ईमानदार लोगों की? आपकी लाइन में ईमानदार लोग थे, चोर थे? ईमानदार लोग, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे। अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो काले धन वाले लाइन में क्यों नहीं थे? क्योंकि वो बैंक के पीछे एसी कमरे में बैठे थे, काला धन सफेद कर रहे थे। भाइयों और बहनों, 700 करोड़ रुपए अमित शाह के बैंक ने, 700 करोड़ रुपए अमित शाह के बैंक ने काले धन को सफेद किया है। गुजरात में बैंक है उनका,
जय शाह है उनके पुत्र का नाम। 50,000 रुपए थे उसके पास, 3 महीने में 80 करोड़ का बिजनेस हो गया। ये है नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन। झुमला है, झुमलेदार बोलता है झुमला है, झुमला है, पैसा कहां से आएगा। मैंने वहां बोला देखो सरकार तो आने वाली है, आप 10 दिन देख लेना कौन झूठ बोल रहा है, पता लग जाएगा चौकीदार झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूं। भाई और बहनों 10 दिन नहीं हुए, 2 दिन, 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने सबके सब किसानों का कर्जा माफ करके दे दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी शुरुआत की है, आप बात समझ लो, मैंने अभी शुरुआत की है, न्याय योजना शुरुआत है, किसानों का कर्जा माफ शुरुआत है, युवाओं को 3 साल परमिशन नहीं दिलवाने की शुरुआत है, अभी तो काम शुरू ही हो रहा है। मैं 2 हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक झंडा है, अगर 2 हिंदुस्तान चाहिए होते तो 2 झंडे लगाते हम, एक राष्ट्रगीत है, 2 नहीं है, एक झंडा है, एक पार्लियामेंट है। मैं 2 हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा। आखिरी बात कहना चाहता हूं रोजगार की बात, और बिहार की जनता, गया की जनता बहुत जल्दी आपको यह बात समझ आएगी। मैंने शुरुआत नंबर से की थी, 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में, मैं अंत भी नंबर से करना चाहता हूं। मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, मैं यहां झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा, 15 लाख की नहीं करूंगा, 3,60,000 की करूंगा। मैं आपको रोजगार की सच्चाई बता देता हूं, 22 लाख सरकारी रोजगार है, वो पूरे भर के दे दूंगा मैं, और 10 लाख पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिए जा सकते हैं, वो मैं भर के दे दूंगा। मगर मैं आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलने आया हूं। एक आखिरी बात, मेरी मीटिंग थोड़ी लेट हो गई, आज क्या हुआ, असम में हमारी मीटिंग थी, वहां पे थोड़ा मौसम खराब हुआ तो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, तो 1-1.5 घंटा गाड़ी में जाना पड़ा, इसलिए आपको यहां थोड़ा कष्ट हुआ, आपको ठहरना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको कष्ट हुआ तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दूर दूर से आप आए इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।